हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू मनी मंत्रा। मनी मंत्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सबकी हेल्प से, आप सबके प्यार से, आप सबकी दुआओं से हम आज 4900 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 4900 ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं दोस्तों। तो इसका दिल से धन्यवाद आप सभी को। इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने जो हेल्प की है चैनल को शेयर करने के लिए, तो उसका मैं और मेरी फैमिली आपका दिल से धन्यवाद बोलते हैं। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं, अपने सेक्टर में उनकी मोनोपोली है। तो वो स्टॉक अपने को आने वाले टाइम में, देखो मैं ऐसे स्टॉक्स को कब बाय करने की सलाह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जब मार्केट गिर रही होती है ना, जब स्टॉक सस्ता हो रहा होता है, तब हमको उस टाइम पे उसको बाय करना चाहिए। जब सब लोग डर के भाग रहे होते हैं, तब ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट रेडी है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। लेट्स ग्रो टुगेदर फ्रेंड्स। पहला स्टॉक है IRCTC। IRCTC देखो 703 रुपये पे अभी चल रहा है, 6:30 के अराउंड हमने चार्ट पे भी डिस्कस किया था। कंपनी की मार्केट कैप चेक कीजिए आप, 56,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके अगेंस्ट में इसका डेट चेक करेंगे तो काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 51%, रिटर्न ऑन इक्विटी 34 39.9, ऑलमोस्ट 40%, बड़ी अट्रैक्टिव। प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है, 67%। स्टॉक्स 5500 प्लस भी गया था, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट किया था तो करीबन 800 के आसपास गया था। उसके बाद स्टॉक डाउन चल रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 650 और 700 के आसपास इसको ऐड करने की। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे ना, मतलब आपको एक ये मल्टीबैगर होने का फील आएगा स्टॉक के अंदर कि 0.06, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही है, तो ज़बरदस्त है। प्लेज कुछ भी स्टॉक प्लेज नहीं है सर कंपनी की तरफ से, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में, जब भी मार्केट में गिरावट है, कुछ क्वांटिटी इसकी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड गुड क्वार्टर रिटर्न्स आने वाले। सेल्स बढ़ी है, सेल्स बढ़ने की वजह से रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। कंपनी हैव डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8 CAGR और 5 साल में आपको 23% से ग्रो कर रहा है सर कोई चीज़। 24% से ग्रो करने का मतलब है 3 साल में पैसा डबल होना सर। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने अभी देखा 31.60 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो जबरदस्त। देखो इसका कोई पीर कंपैरिजन भी नहीं है, अपने इसके अंदर इकलौता स्टॉक है तो इसकी 100% मोनोपोली है। ऐसे स्टॉक्स को सर रखना चाहिए, जब भी गिरावट आए ऐसे स्टॉक्स को रखना चाहिए। देखो सेल्स डाटा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी, बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अभी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज है, नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 664 था, इस क्वार्टर में 827 है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है। तो हमको ये स्टॉक ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। प्रमोटर होल्डिंग जस की तस है, कोई चेंज आया नहीं है फिलहाल अब ईवीज के अंदर। तो ये इस स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड था, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे हमको मतलब कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली हमको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए इस स्टॉक में। इस स्टॉक को आप अपने स्टॉक SIP लिस्ट जो एक बार मैंने आपको शेयर भी की थी, उसमें आप यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और आज आपके लिए ना एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी है दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं बिना स्किप किए देख रहे हैं, तो आप लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो 19th of September को अपने चैनल का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट ईयर पे हमारा प्लान था कि एटलीस्ट 5000 to 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पास होंगे। ऑलमोस्ट हम 5000 को टच करने वाले हैं एक या दो दिन के अंदर, वो भी आप लोगों का प्यार रहेगा, तो शायद 19 सितंबर को हम 5000 सब्सक्राइबर, 5000 ब्रांड एम्बेसडर टच कर देंगे। तो उसके उपलक्ष्य में जो कुछ लोगों ने कहा था कि सर पेड ग्रुप में, जो एक छोटा सा पेड ग्रुप है सर, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पेड ग्रुप है, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि डिस्काउंट दे दीजिए, तो उसमें डिस्काउंट रखा है सर, अच्छा खासा डिस्काउंट रखा है। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छा लगेगा। पहले हम स्टॉक्स की बातें करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। 83,000 करोड़ की कंपनी है, हल्का सा डेट है 48%, 48 CR का। स्टॉक की पी भी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4, ऑलमोस्ट 30%।
अपने हाई के आसपास चल रहा है, 26.39 का, 26.39 का हाई है, 24.83 चल रहा है स्टॉक। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कोई स्टॉक प्लेज नहीं है और डेट टू इक्विटी, ये इसको बहुत ही प्लस पॉइंट है, डेट टू इक्विटी जीरो, इसकी इक्विटी पे कोई डेट नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को सर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लास्ट के एक साल में 73% के रिटर्न दिए हैं, लास्ट थ्री ईयर में 50% के रिटर्न दिए हैं, तो क्या ये आपको अट्रैक्टिव लगता है? तो और क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है? अगर नहीं है तो सर सोचिए जरूर स्टॉक के बारे में। 100% मोनोपोली वाला स्टॉक है, 100%। अब देखेंगे 100% तो सर बड़े अच्छे चांस हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% प्लस का है, कंपनी इज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट भी देती है कंपनी। 100% मोनोपोली सर इसके इस सेक्टर में, अपने सेक्टर में 100% मोनोपोली वाला स्टॉक है। अब देखेंगे इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5400 से 5900 ऑलमोस्ट 6000 समथिंग के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे डबल डिजिट में है और वो भी 20s में, लास्ट ईयर में 29% था और लास्ट 10 ईयर में 21% है। स्टॉक प्राइस, स्टॉक ने अपने को क्या रिटर्न दिए वो भी हमने डिस्कस किए, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। जब भी मार्केट में देखो अभी है ना, लास्टली 2.5% कम हुआ है, 2.5% के अराउंड गिरा है, तो ऐसे स्टॉक को सर एक एक दो दो करके भी अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे ना, तो आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएट करके देने वाला स्टॉक है। वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? मल्टी बैगर ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में लंबे समय तक होल्ड करेंगे तभी वेल्थ क्रिएट होगी। नेक्स्ट होगा सर नेस्ले। नेस्ले के बारे में क्या, नेस्ले बेबी फूड बनाता है, इसकी मोनोपोली है करीबन 96% है ऑलमोस्ट। ये कंपनी की देखो मार्केट कैप देखिए 1,77,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, डेट बहुत बड़ा नहीं है, 280 करोड़ का डेट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 1% से थोड़ा सा ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना अट्रैक्टिव आपने देखा है, 147%। रिटर्न ऑन इक्विटी 113%। तो ऐसे स्टॉक को सर हाई वैल्यू है स्टॉक, 18,000 रुपये का स्टॉक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम ऐड नहीं कर सकते, बट मौका मिले तो एक क्वांटिटी जरूर ऐड करते रहिए सर, वंस इन अ वाइल। जब भी मार्केट में अच्छी गिरावट है, जैसे कोरोना के टाइम पे गिरावट आई थी, जैसे फरवरी मार्च में गिरावट आई थी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, तो ये स्टॉक्स हैं ऐसे स्टॉक्स जो ऐड करते रहने चाहिए। देखो लास्ट के एक साल में इसने परफॉर्म नहीं किया है, तो ये चांस है इसके अंदर अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाने का, अपनी क्वांटिटी ऐड करने का। अब देखेंगे नेस्ले के बाद ब्रिटानिया आता है, और दोनों की मार्केट कैप में देखो कितना अंतर है, स्टॉक प्राइस में कितना अंतर और मार्केट प्राइस, मार्केट कैप के अंदर कितना अंतर है। तो ऐसे स्टॉक सर देखो ये मल्टीबैगर स्टॉक है, आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा बना के देने वाले स्टॉक है। ऐसे स्टॉक जो आप गिरावट के टाइम में खरीदिए, जब सब लोग भाग रहे होते हैं मार्केट से, ऐसे टाइम में ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। आप इसकी लिस्ट बनाइए और कुछ स्टॉक्स को बाय करिए सर। कोल इंडिया, कोल इंडिया 231 पे ट्रेड कर रहा है, 240 के हाई के करीबन है इसका मार्केट कैप देखिए, 1,42,000 करोड़। स्टॉक की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 54% प्लस, रिटर्न ऑन इक्विटी है 43.6, अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग है 66%। प्लेज कितना किया है? कुछ भी प्लेज नहीं है, हल्का सा डेट है, कंपनी कभी भी डेट को ख़त्म कर सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप चेक करेंगे 0.08%, ज़बरदस्त। एक साल में ज़बरदस्त पैसा बना के दिया स्टॉक ने, ज़बरदस्त। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, बैंक की एफडी से ज़्यादा पैसा दे देता है, 7.36% की डिविडेंड यील्ड है। तो अगर उस व्यू से भी रखना चाहते हैं, डिविडेंड वाले व्यू से, तब भी रख सकते हैं स्टॉक को। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा सर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं स्टॉक को। नेक्स्ट हो गए हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक भी आप देखेंगे 281 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 409 का हाई था, तो अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है सर स्टॉक। मार्केट कैप देखेंगे 1,18,858 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के अगेंस्ट आप चेक करेंगे डेट कितना है, 2844 करोड़ का डेट है, बहुत बड़ा डेट नहीं है पर है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% प्लस है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% प्लस है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है 65 अराउंड है, प्लेज परसेंटेज 86% प्लेज कर रखा है, बट बुरी चीज़ कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी आप देखेंगे ना बिल्कुल 0.08, काफ़ी अच्छा रेशो है। स्टॉक ने पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है, तो ऐसे स्टॉक को सर ऐड कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, यही टाइम है इन स्टॉक्स को ऐड करने का। इसका डिविडेंड यील्ड भी चेक करेंगे 7.47, जो कि बैंक की एफडी से ज़्यादा है, तो ये आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देता है स्टॉक, तो आप अपनी लिस्ट में इसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ITC। ITC का आप जानते हैं सर, सिगरेट के कारोबार के अंदर 75% इसकी मोनोपोली है। डेट टू इक्विटी रेशो देखो, सबसे डेट टू इक्विटी रेशो 0 है जी, 0। कंपनी 4,10,000 करोड़ प्लस की कंपनी है। स्टॉक एकदम से भागा सर पिछले एक साल के अंदर, एकदम से भागा, एक रेंज में फंसा हुआ था 200 के आसपास ही घूम, तो 170-200 के पास रहता था, फिर 330 प्लस हो गया, 339 का हाईएस्ट का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, पिछले एक साल में 43% के रिटर्न दिए हैं इसने अपने को। मेरे पोर्टफोलियो में है सर ये स्टॉक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी होगा स्टॉक ये। प्रमोटर्स का प्लेज कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, तो लोगों का काफ़ी विश्वास है सर लोगों को, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जब स्प्लिट का न्यूज़ आएगा ना, जब ये कंपनी 3 या 4 पार्ट में स्प्लिट होगी, तो ये स्टॉक यहाँ से भी डबल ट्रिपल होके जा सकता है। FMCG सेक्टर में जाएगा, सिगरेट सेक्टर में जाएगा, होटल्स में भी है सर इसका, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, एग्री बिजनेस में भी है, तो सर काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड इंडिया की लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, ऑयल का बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है, हेल्दी फूड्स का बिजनेस है इसका, और इसका मेल ग्रूमिंग के भी कुछ प्रोडक्ट्स है, फैब्रिक केयर्स के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलेंगे इसके नाम से। 65,000 करोड़ की कंपनी है, 509 रुपये का स्टॉक है, डेट मार्केट कैप के अगेंस्ट में इसके ऊपर 479 CR का डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करेंगे 0.14, बहुत ज़्यादा नहीं है, 0 के पास ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 36%, पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है, तो ये टाइम है ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। स्टॉक मल्टीबैगर है, पैसा बना के देने वाला, रेगुलर आपको अर्निंग देता रहेगा स्टॉक रेगुलर। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, 3 साल के अंदर 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड ऑफ 88%, अच्छा डिविडेंड भी देती है कंपनी। अब देखेंगे इसके कंपटीटर, डाबर है, गोदरेज है, मैरिको है, इमामी, ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर, काया लिमिटेड। कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है। पिछले 10 साल में 18% का रिटर्न दिए, 3 साल में 10% का रिटर्न दिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी आप चेक करेंगे 30 प्लस में है, पिछले 10 साल से 30 प्लस में, तो एक अच्छा स्टॉक है, आप कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आज के स्टॉक्स थे सर, उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये मोनोपोली स्टॉक्स हैं, हमको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए जब भी मार्केट में गिरावट आए। आज के दिन का अट्रैक्टिव चीज़ क्या थी, ये है अट्रैक्टिव चीज़। देखो आप लोगों ने बहुत हेल्प की है मेरी, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है। देखो एक छोटी सी फैमिली है सर हमारी, जो जिसमें प्रीमियम चैनल है, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को समय से पहले अच्छे स्टॉक्स आपको स्टॉक आइडियाज़ इनको शेयर करता हूँ, कुछ स्टॉक्स मैं फ्री चैनल पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो इस स्टॉक इसी फैमिली में ऐड होने के लिए बहुत से लोगों ने मैसेज किया, तो मैं उनसे उनको पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ सर वेट कीजिए, सर वेट कीजिए, तो सर आज वेट ख़त्म होता है आप लोगों का। आप अगले 3 दिन तक, देखो वैसे तो प्लान था 19 सितंबर को ही हम रन करेंगे, बट मैंने सोचा कि चलो जितने लोगों को फ़ायदा मिल जाए। 35% का डिस्काउंट सर हम दे रहे हैं इसके अंदर, तो देखिए कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे से बेस्ट ऑफरिंग हो सकती है मैं दे रहा हूँ सर। 35th बर्थडे है मेरा, तो 35th बर्थडे पे 35% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। लिंक आपको वीडियो के, जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो काफ़ी लोगों ने क्वेरी की थी इसीलिए मैं इसी शेयर कर रहा हूँ,
तो लिंक जो उसका ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएगा। ये देखो टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये चीज़ ड्रॉप कर दूंगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनका दिल से वेलकम है सर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक्स जो अभी शेयर किए हमने, डिस्कस किए हमने, वो आपको अच्छे लगेंगे। प्लीज़ बताना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक है, किस रेट पे आपने बाय किया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। हमारा टारगेट अभी भी थोड़ा सा दूर है, 4900 के काउंट पे हैं। हमारा टारगेट है 5000 प्लस सब्सक्राइबर 19 सितंबर से पहले। तो हमारे पास 2 दिन का समय है, आप लोगों की काफ़ी हेल्प चाहिएगी। और आपका जो हेल्प है ऑक्सीजन चैनल के लिए, ऑक्सीजन सर आपके लाइक और आपके कमेंट चैनल के लिए ऑक्सीजन है, तो वो हमेशा चालू रखें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।